तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायनाज साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने नसीम शाह के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा है कि वो बहुत बहादुर है और यकीनन अपनी कारगर्दगी से वालदा के लिए फखर का बाइस साबित होंगे। तफसीलात के मुताबिक शोएब अख्तर ने अपने एक वीडियो पैगाम में नसीम शाह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि अच्छी कारगर्दगी दिखाओ क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हें देखने के लिए तैयार है। नसीम शाह बहुत बहादुर बच्चा है और खुशी हो रही है कि एक नौजवान आगे आया है जो तगड़ी बाउलिंग करेगा। उनका कहना था कि नसीम शाह के लिए टेस्ट डेब्यू एक बहुत ही जज्बाती लम्हा है और हमारी ख्वाहिश होती है कि जब हम कोई कामयाबी हासिल करें तो हमारे वालिदैन फख्र महसूस करें। नसीम शाह की वालिदा उन्हें पाकिस्तानी कैप पहने हुए नहीं देख सकती, लेकिन इंशाल्लाह वो अपनी कारगर्दगी के जरिए वालिदा के लिए फख्र साबित होंगे। उस मौके पर उन्होंने पहले टेस्ट के इफ्तिताही रोज पाकिस्तान के खेल से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इनिंग्स का आगाज बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन बाद में उसका फायदा नहीं उठा सके। बाबर आजम को ऊपर वाले नंबरों पर बैटिंग करने की जरूरत है, जबकि हारिस सुहेल को निचले नंबरों पर जाना होगा। तो भैया ये थी शोएब अख्तर के हवाले से कुछ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।